हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, हर कार्यकर्ता भगवंत मान है, हर कार्यकर्ता सुशील गुप्ता है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी दबदबा है, मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, बीजेपी का राज चल रहा है, 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ कहाँ ठहरती है? नीति हुई, हम दावा के साथ कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी जब सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे, 1.5 मिनट चुटकी में SYL का मुद्दा का बंटवारे की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है वो पूरे देश को पानी बांटे। ये सेंटर गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। जनता जो मौजूदा सरकार है उससे बुरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से हरियाणा में अपना संगठन तैयार करिए, क्या लगता है कि 2024 में सरकार बना पाएगी? बहुत अच्छे से हम लोग जो हम लोग बहुत अच्छे से फाइट करने वाले हैं। और जो इन पार्टियों ने कब्जा जमा रखा, जो इन परिवारों ने कब्जा जमा रखा है, आम लोगों के लिए कोई वर्क नहीं करना इनको। एक बारी बीजेपी, एक बारी कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, उसको तोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारी पार्टी जो समाज के जो गरीब तबका है उसकी शिक्षा के लिए काम करती है, उसके हेल्थ के लिए काम करती है, उसको ऊपर उठाने के लिए काम करती है, रोजगार के लिए काम करती है। हमारी पार्टी बरगलाने का काम नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा काम दिल्ली में भी किया है और हम लोग ऐसा ही काम पंजाब में कर रहे हैं। ये लोगों के लिए एक सैंपल सेट होगा, ये हरियाणा के लोगों के लिए सैंपल सेट होगा। कुछ टाइम के बाद तुमको दिखाई देगा कि इन लोगों ने दिल्ली में ऐसा काम किया और पंजाब में ऐसा काम किया। ये दूसरी पार्टियों से अलग हटके काम करने वाली पार्टी है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि ये पार्टी ऊपर उठे। हम लोगों को अलग अलग विषय में फंसाना चाहती है, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, हर कार्यकर्ता भगवंत मान है, हर कार्यकर्ता सुशील गुप्ता है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी दबदबा है, मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, बीजेपी का राज चल रहा है, 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ कहाँ ठहरती है? बिल्कुल दबदबा नहीं है, जो दबदबा खत्म हो चुका है, आज की तारीख में कोई दबदबा नहीं है। वो लोग भी देख रहे हैं, ये दिखाते हैं अपने आप को, मैं इस कास्ट का इस कम्युनिटी को मैं लीड करता हूं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन सचमुच वो लीड नहीं करता, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल में करके दिखा दिया जो करना था, जो धरती धोती करनी थी कर दी, अब कुछ इनके बस का नहीं बचा हुआ है। अब लोग बदलाव चाहते हैं और एक चाहते हैं कि जो सचमुच उनके लिए काम करना चाहती है, ऐसे लोगों को चुनके आगे लाना चाहते हैं। ये प्रूव इन लोगों ने पंजाब में कर दिया है, दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, पंजाब में प्रूव कर दिया लोगों ने, ऐसा एक काम यहाँ पे हरियाणा के लोग भी करेंगे, क्योंकि इनको भी अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी चीजों को ठीक करना है। और ये परेशान हो चुके हैं इस पुराने सिस्टम से, पुरानी पार्टियों से। लेकिन हरियाणा की राजनीति और पंजाब की राजनीति, दिल्ली की राजनीति अलग अलग है, यहाँ सिर्फ जातिगत आधार पर राजनीति होती है। ऐसा नहीं है, ये सब एक दिखाने की बातें हैं, और लोग समझदार हो चुके हैं यहाँ हरियाणा में भी, उनको भी मालूम है कि जात पात में कुछ नहीं रखा, जात पात में खाली हमारे राज्य का विनाश होगा, विकास नहीं होगा, विकास के लिए उन्होंने इस जात पात को छोड़ना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से हरियाणा में क्या मुद्दे हैं जो आम आदमी, हरियाणा में मुद्दे हैं, जैसे हम यदि शिक्षा पर जाएं बहुत बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, गुड गवर्नेंस सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो व्यवस्था बदलने की बात अरविंद केजरीवाल ने देश में चलाई है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ उन्होंने 100% योग्यता मिली है, उन्होंने वहाँ सफलता मिली है। और आज हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। आज हरियाणा का जूम को आप देख सकते हैं, जो जूम आपके सामने है, इतने लोग एक कार्यकारी करता है, 11,500 कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, और इससे अगला जो शपथ ग्रहण समारोह होगा 1.5 लाख का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जल्दी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है और लोग भी आम आदमी पार्टी के साथ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी। लेकिन जो SYL का मुद्दा है उस पे जो है राजनीतिक पार्टियां, जो आम आदमी किसान हो सब SYL का, लेकिन आम आदमी पार्टी SYL पानी को क्यों नहीं दे रही? पंजाब में उनकी सरकार है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के झटका नहीं है क्या? देखिए SYL का मुद्दा आज का नहीं है, वो 56 साल पुराना मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार
पंजाब प्रदेश में भी रही, दिल्ली में भी रही, तब पानी नहीं पटा, सिर्फ राजनीति हुई। बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी रही और सेंटर में भी रही, जब भी पानी नहीं पटा, सिर्फ राजनीति हुई। हम दावा के साथ कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी जब सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे, डेढ़ मिनट चुटकी में SYML का मुद्दा का बंटवारे की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है वो पूरे देश को पानी बांटे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनका जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो तैयारी कर रही है और 2024 में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के वो दूसरी पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, वो लगातार जिस तरह से वो उनको भटकाने काम कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं भी हैं जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रजनीश जैन, महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा। जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक वो दिया है महिलाओं को 33% आरक्षण, तो उसका कितना असर पड़ेगा महिलाओं को लेकर? देखिए, जो हरियाणा की मैं कहूंगी पूरे देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है। और इसमें जो केंद्र सरकार ने 33% का आरक्षण जिसकी मांग पिछले लंबे समय से चली जा आ रही थी वो दिया तो है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं यही मांग रखती हूँ सरकार से कि आरक्षण 2024 के चुनाव से लागू किया जाए। जो इसका प्रस्ताव तो पास कर दिया गया है, लेकिन इसका जो रखा गया कि 29 से लागू होगा उसकी उसके लिए मैं सरकार से सिर्फ यही रखती हूँ कि महिलाएं इतने लंबे समय से जो इस आरक्षण की मांग करे तो इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को जब तक आगे नहीं लाया जाएगा तब तक हमारे देश की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों की आवाज उठाने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा की राजनीति का लग है तो इनका क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, इस टाइम हरियाणा का आप ये कहिए भ्रष्टाचार में नंबर वन है, बेरोजगारी में नंबर वन है, और अगर हम कुशासन कहें, महिलाओं के लिए अपराध कहें, लगातार उसकी घटनाएं होती जा रही है। आप पीछे देखिए, मंत्री संदीप सिंह का मामला आया था जो सरकार में होते हुए एक महिला कोच के साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर भी सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी तो एक महिला के रोजगार मांगने पर उसको चांद पे भेजने की बात करते हैं। इस टाइम हरियाणा की जनता सब देख रही है, जनता जो मौजूदा सरकार है उससे बुरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो वो एक अच्छा विकल्प ढूंढ रही है। तो जनता को इस समय सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे आगे बढ़ रही है वो एक विकल्प के रूप में नजर आ रही है। और मेरा ये मानना है 2024 में जिस तरह से पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनी थी, हरियाणा में भी सरकार बनी थी। वहीं जो आम आदमी पार्टी है हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति अलग है, यहाँ पर जाति के आधार पर राजनीति है, बगैर जाति के आप कैसे मतलब सत्ता हासिल कर पाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, जाति का लड़ाना, इलेक्शन लड़ना ये बीजेपी का काम है। अब ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, जनता देख रहे हो, लाखों की जनता आई हुई है, इसमें सब जाति के, कोई जाति पूछ का है, ऐसी बात नहीं। सारा रोला सत्ता परिवर्तन का है, और अब की बार 100% श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी। आज अरविंद केजरीवाल यहाँ से शपथ समारोह में जो है उनको शपथ दिलाएंगे, और अब इनका जो बात करी इनके जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।